हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा सिस्टम से। मित्रों, आज आपके लिए एक फ्लैट लेके आ रहा हूँ। वो फ्लैट है 2 BHK का, मोहन गार्डन की लोकेशंस में। इस फ्लैट की वीडियो लगभग हमारे कई फ्रेंड्स लाइव कर चुके हैं। मुझे भी मौका मिला, मैं भी आ गया। उसको लाइव करने का केवल एक कंसर्न है कि एक्चुअल सच्चाई से आप वाकिफ रहो। तो ये साइट मोहन गार्डन में है और मेन रोड से 1.5 किलोमीटर प्लस का एरिया आता है। टू साइडेड ओपन है, मतलब फ्रंट में एक फ्लैट है, एक फ्लैट बैक में है। और कवर्ड एरिया की अगर बात करता हूँ तो 55 गज का एरिया कवर्ड एरिया आता है। ऑन पेपर 50 गज का है, लिफ्ट है, कार पार्किंग का ऑप्शन है। डिपेंड ऑन द योर चॉइस कि आप कार पार्किंग में जाते हैं या बाइक पार्किंग में जाते हैं। प्राइस को लेकर के हम सब लोग कुछ माइनस कुछ प्लस करके चल रहे हैं, लेकिन क्या वो बेसिक चीज जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी ऑलरेडी वीडियोस देखी होंगी। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट चीजें शेयर करूंगा, ऑलमोस्ट वही होंगी, लेकिन कुछ उनमें से कुछ बेटर और कुछ आपके फायदेमंद की चीजें। तो मित्रों, अब आते हैं कि ये फ्लैट में लोन कितना मिलता है। तो लोन की अगर बात करता हूं तो 90% के आसपास इसमें लोन मिलता है आराम से। मतलब जिसकी सैलरी 35,000 रुपए है, 34,000 है, 32,000 है, वो इस फ्लैट को आराम से ले सकता है, लिव विद कार पार्किंग का। अब 90% हाउसिंग लोन हो गया, फ्रंट और बैक की वैरायटी मिल गई, मेन रोड से 1.5 किलोमीटर प्लस का एरिया मिल गया। तो अब आते हैं आपकी फ्लैट हमने बनाया कैसे और सजाया कैसे। आइए, ये फ्लैट मेरे फ्रेंड्स मिस्टर संजय हैं जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, जिन्होंने इसको बनाया है। तो अब मैं आपको उनसे अभी मिलवा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको फ्लैट की एक्चुअल पोजीशन दिखाता हूं। आइए। ये हमारे घर की एंट्री, आप घर की एंट्री कर लिए और आपको ये सनमाइका फ्रंट और बैक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें नहीं कह सकता कि हमने कंजूसी करी है, थोड़ा सा अच्छा किया है काम यहाँ पे। अब आते हैं मित्र कि हमने यहाँ फ्लोरिंग कैसे दी है। थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा कलर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ड्राइंग रूम के अकॉर्डिंग बेस्ट स्टाइल मिल रही है आपको यहाँ पर, जो गंदी भी नज़र नहीं आएगी और ज़्यादा क्लियर साफ करेंगे तो साफ ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। दोनों ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहे हैं। अब आते हैं इसकी दूसरी गुडनेस। इंटर करते ही हमारे पास एक LED पैनल मिल रहा है, जो बड़ा साइज है, बिग साइज कह सकते हैं आप, और एरिया भी ज़्यादा कवर नहीं कर रहे, जिससे हमारी सीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ऊपर देखिए पूरा हमने ग्रास, ये अपना प्लेन पेपर का काम किया है। ये वॉशेबल नहीं होता है, लेकिन ये है कि गंदा भी ज़्यादा नहीं होता, तो हमेशा आपकी वॉल्स की सीलन या नमी वगैरह को छिपा कर रखता है और लगभग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चलता है यदि पानी ना मिले तो। LED पैनल है, डबल पैनल्स में देखिए, और डिजाइन पूरी बिग साइज की दी है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे इसको सजा सकते हैं। हमने यह छोटे छोटे फ्लावर स्पॉट रखे हैं फॉर द योर, कि आप अपनी चॉइस को कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे तक स्टोरेज है आपके पास, DVD प्लेयर्स, म्यूजिक सिस्टम, जो भी लगाना चाहें आप रख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही पैरलर आप देखिए, यहाँ पे हमने आपको 4 सीटर का L-शेप का सोफा दिया हुआ है। ये हमारे अकॉर्डिंग सोफा है, आप इसको बड़ा छोटा जैसा चाहें आप सजा सकते हैं। इसके साथ ही ड्राइंग रूम में ये हमने डिजाइन दी है, एक आइडिया दिया है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ले लें, प्लेन चाहते हैं तो प्लेन ले लें। इसके साथ ही लाइट्स हैं, इसके साथ ही स्प्लिट AC की फिटिंग है, साथ में फॉल्सलिंग को हमने पूरी रूफ को ओपन करके एक बीच में फैन दे दिया और साइड में फॉल्सलिंग का पैटर्न दे दिया है। इससे क्या है ना, एक ड्राइंग रूम थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, बहुत हैवी नहीं है। साथ में एक छोटी सी टेबल, ये टेबल बिग साइज की है, अगर इसकी जगह हम छोटी टेबल डालते हैं तो हमारे लिए स्पेस और बड़ा निकल के आता है, क्योंकि स्पेस सोफे की साइज या टेबल की साइज को देखा जाए तो काफी बड़ा है। तो इसको हम छोटा करते हैं तो स्पेस ड्राइंग रूम में आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि हाँ। साइज की अगर बात करता हूँ, ड्राइंग रूम की साइज ऑलमोस्ट 10.5x14 का है, तो साइज भी इनफ है, जिसको कह सकते हैं छोटा ड्राइंग रूम नहीं है।
ड्राइंग रूम को जैसा हमने सजाया उसके साथ ही पैरलर आपको जो बाद बेसिंग का पॉइंट दे रहे हैं वो बेसिकली एक होटल रूम ऑफ फ्लेवर दे रहे हैं यहाँ पर। और देखिए इसको कैसे हमने सजाया हुआ है, साथ में आपको एक यूनिक चीज़ है जो आज की डेट में एक बना जा रहा है क्रेज कि हर किसी कस्टमर में, हर किसी बिल्डर को कैसे हम अपने फ्लैट्स को सजाएं, तो ड्राइंग रूम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा यूनिक आइडिया है, आज की डेट में मार्केट में ये काफ़ी कुछ मिल रहा है इस तरह के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक कह सकते हैं कि आपके ड्राइंग रूम की लुक इंक्रीज करती है। तो उस पॉइंट से एक बहुत ही प्यारा ड्राइंग रूम, साथ में ग्रेनाइट यहाँ दिया है, यहाँ स्टोरेज के लिए भी बना रखा है, टैप अच्छी क्वालिटी की लगी है अगर, और स्पेस काफ़ी है, साथ में आपको सॉफ्ट सिस्टम है, आराम से आप यहाँ डालिए और यूज कर सकते हैं। साथ में प्रॉपर एक यहाँ अभी हम लाइट के सिस्टम देंगे, ये पूरी लाइट सिस्टम है, रात में इसको आप ऑन करेंगे बहुत ही प्यारा, देखिए यहाँ केबल लगी हुई है लेकिन अभी स्विच बोर्ड नहीं है इसलिए ऑन नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारी बहुत यूनिक स्टाइल है ये, बहुत अच्छा लगता है ये, जब आपके ड्राइंग रूम में ये लाइट ऑन होती है तो कलरफुल लगता है। अब आपको मैं ड्राइंग रूम के साथ इनबिल्ट आपकी बाथरूम दिखाता हूँ, फिर किचन की तरफ ले चलता हूँ, आइए। तो बाथरूम में स्पेस देखिए, स्पेस है, ये बाथ जोन हो गया मेरे बैक में, ये बाथ जोन हो गया, मिक्सर लग गया, साथ में ये आपका सेपरेट टॉयलेट आ गया, यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, लाइट्स आप खुद हांडी देख सकते हैं लगी हुई है, प्रॉपर शावर लगा हुआ है, वेंट, और यहाँ से हमने पाइप निकाला हुआ है, चिमनी का पाइप ऊपर आप देख सकते हैं, चिमनी का पाइप साफ्ट में गया है चूंकि ये साफ्ट है, टॉवल के लिए ऑलरेडी रॉड लगा के दे रहे हैं हमको, और बाथरूम में भी लॉक सिस्टम लगा के दे रहे हैं, तो और टाइल्स भी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स दे रहा हूं। यहाँ जो चीजें आप देख रहे हैं जस्ट लाइक गीजर, ये गीजर की फिटिंग है, प्रॉपर यहाँ फिट हो जाएगा, ये टैप लगी हुई है प्रॉपर, तो गीजर आराम से, ये आपको गिफ्टेड आइटम है जो अभी यहाँ लगा हुआ है, जस्ट लाइक फैन, गीजर्स या लाइट्स या झूमर या चिमनी, ये सारी चीजें एज इट इज गिफ्टेड है, इसको हम आप उतारेंगे नहीं, एज इट इज आपको हैंड ओवर देने हैं। ये आपकी किचन है, किचन के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज किचन का है टॉवल स्टैंड, अगर किचन में टॉवल स्टैंड की प्रॉपर स्पेस नहीं है तो किचन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। अब ये टाइल्स का प्रोविजन देखिए, प्रॉपर यहाँ तक टाइल्स है एक अच्छी, और साथ में एसएस के स्ट्रिप दी गई है जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा लगता है। सिंक आपका प्रॉपर एक सही डायरेक्शन में लगा हुआ है, साथ में आपको यहाँ पर देखिए ये लाइट्स के साथ और यहाँ पर आरओ या गीजर लगाना चाहे लगा सकते हैं। स्टोरेज के पार्ट्स की बात करता हूँ तो प्रॉपर ढंग की स्टोरेज है, ऊपर भी आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, और ये आपका चिमनी हो गया, चिमनी यहाँ प्रॉपर स्टोरेज मिल रही है, यहाँ ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये देखिए स्टोरेज को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, काफी है स्पेस आपके लिए यहाँ पर कि आराम से आप सामान रख सकते हैं, छोटी फैमिली के लिए बेस्ट है। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस घर का वास्तु, जो भी हम बातों में बता नहीं पाया मैं, तो वास्तु की बात करता हूँ तो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में घर की एंट्री होती है, और आपकी किचन और आपका बाथरूम जो हो जाता है ये हमारे ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो वास्तु यहाँ पर ओके है। ड्राइंग रूम का वास्तु की बात करता हूँ तो एकदम ओके है। अब आपको मास्टर बेडरूम में ले आता हूँ, फिर आपको बालकनी वाले बेडरूम में ले चलूंगा। देखिए मास्टर बेडरूम में ये बेड डला हुआ है, यहाँ जो भी एसेसरीज है, ये एसेसरीज बेड सोफा इस टाइप से जो भी चीजें हैं ये आप ले सकते हैं हमसे, इसकी प्राइस इसका बिल हम आपको देंगे, जो बिल होगा वो कॉस्टिंग आप वेयर करेंगे। अब यहां पे देखिए अगर 10x10.5 का बेडरूम आपको मिल रहा है और उसमें 6x6 का हमने आपको बेड डाल दिया है तो दोनों तरफ एक प्यारा सा और अच्छा स्पेस निकल के आता है। नॉर्मली हम लोग प्लेन दिखाते हैं, यहां देखिए बेड डाला हुआ है तो स्पेस प्रॉपर निकल के आ रहा है। अब इसकी फॉल सीलिंग की मैं बात करता हूं तो देखिए चारों तरफ से कवर्ड करके बीच में एक आधा चांद दे दिया है, ऊपर फैन लगा दिया है, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक इसके अंदर जब स्ट्रिप लाइट रात में सारी लाइट ऑफ करके स्ट्रिप लाइट ऑन कर देंगे तो बहुत ही प्यारा नजर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर आपको हम टीवी का एलईडी पैनल के लिए पॉइंट दे रहे हैं, एलईडी पैनल बना के नहीं दे रहे हैं, आप चाहे तो एक बोर्ड यहाँ लगवा सकते हैं जिसपे अपना एलईडी लगा सकते हैं। स्पेस क्यों, क्योंकि स्पेस है ये अप्रोक्स आप ले सकते हैं 3x3 फीट का जो आपका मूविंग एरिया है। यहाँ प्रॉपर विंडो एसी का प्रोविजन है, यहाँ आप अपना विंडो एसी लगाएंगे। एक और छोटी सी चीज जो यहाँ हमने लाइट दी है, और लाइट बहुत ही प्यारी लाइट है, देखिए ये दोनों तरफ अंदर की तरफ से भी है बाहर की तरफ से, बहुत अच्छा एक लुक नजर आता है, और इस लाइट में अगर बल्ब चेंज कर देंगे तो इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि व्हाइट में है, क्रीम कलर में है, इसको आप ब्लू कलर में कर देंगे तो इस घर का वास्तु भी सुधार देगा। तो छोटी मोटी चीजें हैं जो कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम चलते हैं, वास्तु हमारा डिपेंड करता है कलर्स पे, ना कि प्रॉपर्टी को कैसे हमने क्या किया है।
अब आते हैं दूसरी टॉयलेट में, यहां भी हमने काम आपके लिए अच्छा कर रखा है, प्रॉपर ये वॉश जोन बनी हुई है, यहां पे वॉश बेसिंग लगा दिया है, साथ में इधर आपकी पॉट सीटिंग है, टाइल्स अच्छी क्वालिटी की है, यहां पे गीजर की फिटिंग है, पावर, सारी चीजें परफेक्ट जो एक छोटी सी टॉयलेट में होनी चाहिए, जो हमारी इमरजेंसी यूजेस के लिए होना चाहिए, वो प्रॉपर हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। देखिए छोटा सा पावर पॉइंट है, ये पर्पज है आपका, कल को गर्मी में आप कूलर लगाना चाहें तो, विंडो एसी ना चलाना चाहें कूलर लगाना चाहें तो, साथ में ब्लाइंड्स आपको दे रहा हूँ, इन फ्यूचर आप दोनों चीजें यूज नहीं करनी है, ठंडी का टाइम आ गया है आप इसको बंद कर सकते हैं, तो ब्लाइंड का पर्पज, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कॉस्टिंग शुड बी देयर, ये कॉस्टिंग है, पैसे लगे हुए हैं, चाहे वे कटन रॉड लगे हों, कटन के रॉड देखिए पर्दे भी डाले गए हैं, एक अच्छी क्वालिटी का गोल्डन लुक का पर्दा लगा हुआ है, ऊपर कटन रॉड लगा के दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की लॉक लगा के दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बेड दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर दे रहा हूँ, हर वो चीज़ परफेक्ट तरीके से है। अब आते हैं हम आपके सेकेंड बेडरूम में, आपने ड्राइंग रूम देख लिया, टॉयलेट देख लिया, किचन देख लिया, मास्टर बेडरूम देख लिया, अब आपके सेकंड बेडरूम में आ गया जो बालकनी के साथ इनबिल्ट है, और रूम की साइज की अगर बात करता हूं तो 9.5x9 का साइज है, और स्पेस दोनों तरफ आपको 2.5 फीट 2.5 फीट का एरिया निकलता है, यहां जैसे मेरी अलमीरा है, ये अलमीरा को खोलता हूं और मैं आराम से खड़ा हो सकता हूं, इतना स्पेस यहां पर है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अलमीरा खोलते वक्त दिक्कत होगी, तो आराम से स्मूथली आराम अलमीरा खुलती है, और 6x6 का बेड डलने के बाद स्पेस अगर मिल रहा है तो बहुत ही प्यारा है, दोनों तीनों तरफ से बूमिंग एरिया निकल रही है आपके पास। अब आते हैं इसकी फॉल सीलिंग पे थोड़ा नजर डालते हैं, तो प्रॉपर फॉल सीलिंग आप देखिए, एक अच्छी डिजाइन दी है यहाँ पे, और कंसील लाइट्स अंदर से, स्ट्रिप लाइट्स, एक अच्छा वॉलपेपर हमने यहाँ लगाया है, वॉलपेपर हमने पूरे फ्लैट में तो लगाया है लेकिन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा चाहें आप वैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग दी है, आप चाहें तो विंडो एसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा विंडो यहाँ लगेगा, यहाँ पर एक टन भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे स्प्लिट एसी का प्रोविजन हमने दिया है, और यहाँ पे पावर पॉइंट है, आप अपनी यूज के लिए जैसा चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम बालकनी में चलते हैं, आपको बालकनी दिखाते हैं कि हमने बालकनी में क्या किया हुआ है। आइए, अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ, स्पेस पूरा है, एसएस की रेलिंग लगी हुई है, प्रॉपर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ग्लास लगाने का प्रोविजन है, आप ग्लास बोलेंगे ग्लास लगा देंगे, लकड़ लगाना है लकड़ लगा देंगे, जैसा आप चाहेंगे, यहाँ टाइप का प्रोविजन है, और साथ में यहाँ पावर पॉइंट्स भी है, ये विंडो एसी का प्रोविजन है, स्प्लिट एसी के आउटर देखिए बाहर आए हुए हैं, ये बाथरूम का एग्जॉस्ट आपको यहाँ लगाएंगे, आप उसको आप चाहे लगा सकते हैं या हमसे कहेंगे तो हम लगा के दे देंगे। तो वेंटिलेशन पार्ट्स की अगर बात करता हूँ तो पूरे घर में बहुत ही प्यारा है, और सनलाइट भी प्रॉपर आ रही है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, अगर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो भी सनलाइट्स आपको बहुत ही आराम से मिल रही है, मतलब एक ठंडी आते ही हर किसी की डिमांड होती है कि सनलाइट प्रॉपर मिल जाए, तो सनलाइट नहीं है इस किसी घर में तो वो थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो मित्रों पैसे कम है, जेब में पॉकेट में मनी कम है, तो आप इसके लिए डिले मत करो, हरी अप, क्योंकि जितना जल्दी आप आओगे उतना जल्दी आप फ्लैट को कैच कर सकते हो। होता क्या है कि हम सब लोग फ्लैट यूट्यूब में देख लेते हैं, हम मिश्रा जी को कॉल कर लेते हैं, गुप्ता जी को कॉल कर लेते हैं, सिन्हा जी को कॉल कर लेते हैं, लेकिन हम आने में टाइम लगा देते हैं तो वो मनपसंद चीज़ निकल जाती है। आज की यूट्यूब की जो उत्तम नगर की मंडी है, यहाँ पे भी कोई भी फ्लैट हम सेल आउट वीडियो लाइव करते हैं, मैं करूँ या कोई भी हमारे फ्रेंड्स करें, आप मानिए कि वो फ्लैट विदना मंथ बाद में खत्म होगा, उससे पहले वो बिल्डिंग खत्म हुई मिलती है। तो इसलिए डिले मत करा करिए, क्योंकि फ्लैट देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है, अंदर से देखने के बाद फिर आपको पहली कॉल आती है कि आप प्रॉपर्टी देखने आइए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी आप देख लेंगे तो प्रॉपर्टी देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। जस्ट लाइक देखिए, अब मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अब आपको इतना प्यारा फ्लैट देने के बाद आपके पास क्वेश्चन उठता है कि पैसे कितने। तो मित्रों वीडियो देखते हो छोटी सी रिक्वेस्ट करना भूल गया था, आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर नहीं किया, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए सस्ते सस्ते फ्लैट लेके आ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये फ्लैट 22 लाख का है, 21 लाख का है, 20 लाख का है, मैं ये कहता हूं जिसके जेब में 30 से 32 हजार रुपए की सैलरी आ रही है वो मेरे पास चला आए, बस मैं 30,000 से लेके 32,000 की सैलरी वाले पर्सन के लिए ये फ्लैट बना हुआ है। आपके पॉकेट में पैसे रजिस्ट्री के होने चाहिए, फ्लैट में रजिस्ट्री करा के दे दूंगा। तो इतना सस्ता फ्लैट आप खुद दिमाग लगा सकते हैं,
गूगल प्ले स्टोर में जाके ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड करें, 16,000 रुपए में हम 20 साल में कितना लोन ले सकते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। मैं प्राइस बोल दूंगा तो लोग मंडी के लोग कहेंगे भाई साहब मिश्रा जी सस्ता क्यों बोला आपने, तो भैया सस्ता है, अच्छा है और प्राइस भी सस्ता है, रिजनेबल प्राइस है और आपके पॉकेट में अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है कि आप इस फ्लैट को ले सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं जो मेन रोड में मैं 2 BHK 1 BHK बेचता हूं उसकी कीमत में ये 2 BHK दे रहा हूं लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ, तो इतना सस्ता फ्लैट कहां मिलेगा मित्रों, 2 BHK के साथ लिफ्ट विद कार पार्किंग का, मेन रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 90% हाउसिंग लोन के साथ, बिना डिले करे आप इस फ्लैट को हड़प, जितना जल्दी आ सके उतना जल्दी कैच करें, क्योंकि टॉप फ्लोर एक रह गया, एक बिक चुका है, अपर ग्राउंड सेल आउट सेल हो चुका है और बकाया अभी इस हफ्ते सेल हो जाएंगे, तो हरी अब बिना लेने के मोस्ट वेलकम। ये वीडियो कल आपको अपने मोबाइल्स में मिलेगी, आप केवल मेरे चैनल का आइकॉन बटन दबाना ना भूले, क्योंकि आइकॉन बटन दबा रहेगा तभी मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। मित्रों हरी अब एंड थैंक यू।